नाम वंदना शशिकांत सांगड़े है और पानी 10 बजे हमारे एरिया में पानी आता है और हमारी लाइट सवेरे 6 बजे से 1:30 बजे तक गई थी। तो लाइट वालों को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि 1:30 बजे लाइट आएगी। तो हमारे एरिया की कुछ औरतें पानी के टाकी के पास गई थी, उनको बोली कि पानी थोड़ा लेट छोड़िए, तो उन्होंने नहीं सुना और थोड़ा गाली गलौज किया औरतों के साथ, तो थोड़ा हाथापाई हुई उनकी। तो उन्होंने औरतों के साथ भी गलत व्यवहार किया, गलत बर्ताव किया, सुने नहीं और ऊपर से इनके नाम से ही कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में और ये वापस से कंप्लेंट करने जा रहे हैं अपनी तरफ से, LC नोंदने जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में नहीं लिया है LC। यही हमारा प्रॉब्लम है, एरिया में पानी का प्रॉब्लम आता है। खाली 20 मिनट तक ही पानी आता है, 10 से 11 बजे तक रहता है, तो मोटर लगाते टाइम 10 मिनट तो यूं ही चला जाता है, तो खाली 20-25 मिनट हम लोगों को पानी मिलता है, उसमें भी लाइट नहीं रहेगी तो लेडीज़ ने क्या सोल्यूशन है इस पर। हम सब जगह पे जा चुके हैं, रिटायरमेंट कामले साहब को भी हमारा ये समस्या मालूम है। बस पानी पहला पन कुमार आलानी साहब के ऑफिस में भी गए थे। हाँ, कुमार आलानी के ऑफिस में भी हम लोग ये समस्या बहुत बार लेके जा चुके हैं। अविनाश ऐसे है कि किसी एरिया में अगर लाइट गया है तो उनका मैसेज हम लोगों को भेजता है, तो बोलता है 3 बजे पानी आ छोड़ेगा, और हमारे एरिया की कुछ औरतें गई तो बोलता है नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, 10 बजे पानी छोड़ेंगे, तुम लोगों को जो करना है वो कीजिए। हाँ, ठीक से रिप्लाई भी अच्छे से देता नहीं है वो, दादागिरी की भाषा, दादागिरी लेडीज़ पे गलत बर्ताव करता है और सीधा बोलता है जो करने करो पानी में लेट छोड़ेगा, जो नहीं जो टाइम है मेरा वही टाइम पे पानी छोड़ेगा, तुमको जो करना है कर लो, उनकी भाषा ऐसी रहती है। तो हम लोग यही बोलने गए तुम ऐसी कैसी भाषा कर रहे हो, पानी तो हमको चाहिए, हम लेडीज़ लोग पानी किधर से लाएगी, एक तो पानी आता है 20 से 25 मिनट, उसमें तुम लोग पानी नहीं दोगे हमको तो हम पानी के लिए जाएंगे किधर, और हमारे एरिया में कोई भी हमारा सुनता नहीं है, नहीं नगर सेवक नहीं कोई नहीं। हम कुमार जी के साहब के ऑफिस में भी गए 3-4 बार, हमने बोला कि हमारे यहाँ पानी आता है, हाँ हम आते देखते करते, बस यही भाषा रहती है उनके लिए, कोई आता नहीं कोई देखता नहीं, पूरे रास्ते पूरी गली हमारी सब कुछ ख़राब हो चुकी है, पानी की सुविधा भी नहीं है, नाली खराब हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे मैंने बोला कि उन्होंने मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट किए तो मैं भी उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करना चाहती हूँ, तो राठौर साहब बोल रहे हैं कि बाबा मैं कंप्लेंट करने का है, तो जब भी सीनियर साहब आएंगे उनसे बात करो, उसके बाद में आप कंप्लेंट करो, अभी मैं कंप्लेंट नहीं लेगा आपकी, बस उन्होंने इतना बोला, फिर हम जा रहे हैं अभी घर पे। गोल मैदान पानी का टाकी है, वो टाकी से हमारे 2 वालमन 10 बजे से 12:30 बजे तक हर रोज़ पानी छोड़ते, आज 10 बजे भोलेनाथ टावर वो परिसर के लोग हमारे पास आए गोल मैदान पे और उन्होंने कहा कि जब तक हम नहीं बोलते तब तक वॉल ओपन नहीं करने का, आज पानी नहीं छोड़ो, हम बोलेंगे तभी पानी छोड़ो। तो उन्होंने मेरे वॉलमन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि पानी का टाइमिंग चेंज करने के लिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम पानी का टाइमिंग अगर चेंज करते हैं तो किसी को पानी नहीं मिलेगा। इस हिसाब से मैंने इन दोनों को बोला कि अपना टाइमिंग में चेंजेस नहीं करो, हमेशा की तरह पानी छोड़ दो। तो उधर से पुष्पा पवार करके जो लेडीज़ है और किशोर शेड़के, ये दो आदमी ने मेरे वालमन लोगों को चप्पल से मारा है और उनके साथ गाली गलौज किया है। उस हिसाब से मैंने हमारे अतिरिक्त आयुक्त लेंगरेकर साहब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ़ गुना दाखिल करो, तो उस हिसाब से हम गुना दाखिल करने को पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने हमारी फिरियाद दाखिल करके ली है। नहीं, इसके पहले नहीं बोला। हाँ।